हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मरक्स यूट्यूब चैनल फार्मरक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन तो सॉल्युबिलिटी के बारे में जो हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं एंड पार्ट टू वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन तो सॉल्युबिलिटी के जो हम अलग अलग यूनिट्स के अंदर अलग अलग तरह से जो हम एक्सप्रेस करते लाइक मोलारिटी like, है नॉर्मालिटी मोलारिटी, फिर मोल फ्रैक्शन फिर परसेंटेज वेट बाय वेट वेट बाय वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऐसे अलग अलग तरह से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो उसी के बारे में हम उसको स्टडी करेंगे आज के ये लेक्चर में एंड ये भी समझेंगे कि व्हाट इज़ वेरी सॉल्युबल, व्हाट इज़ फ्रीली सॉल्युबल, व्हाट इज़ सॉल्युबल स्पेरिंगली सोल्यबल तो ये सभी पॉइंट एम सी क्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज थियरी एग्जामिनेशन के लिए तो सीखते हैं आज के पॉइंट में तो सबसे पहले ये आपको बताना होना चाहिए कि वॉट इज सॉलिबिलिटी तो सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने आपको पार्ट वन में डिटेल में समझे है फिर भी ये माइंड में ऑलवेज रखना है कि सोलिबिलिटी इज ए कैपेसिटी ऑफ एनी सबस्टन्स टू सोल्यूबलाइज और टू डिजोल्व इन ए सुटेबल सॉल्वेंट की ये जो सॉल्यूट है आपका वो सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होके बना रहा है ये सॉल्यूशन की जिसको हम कहेंगे उसकी सॉल्यूबिलिटी इन ए सुटेबल सॉल्वेंट तो उसके एक्सप्रेशंस की जो कितना सॉल्यूट डिजल हुआ सॉल्वेंट में कि फाइव परसेंट था फाइव नॉर्मल था फाइव मोलर फाइव मोलर था तो ये अलग अलग यूनिट्स के अंदर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं या फिर फ्रीली सोल्यूबल था वेरी सोल्यूबल था इन सोल्यूबल था तो ऐसे अलग अलग टर्म्स हम यूज़ करते हैं सोल्यूबलिटी के लिए तो उसको जानते हैं हम ये लेक्चर में तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए चैनल को जरूर से प्रेस करिए बेल आइकॉन की जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे ऐप को तो ज़रूर से यूज़ करिए फॉर्मर ऑक्स की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्पल आईफोन एज वेल एज एंड्रॉयड दोनों वर्जन्स में एप अवेलेबल है लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि आपका स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन पीडीएफ डी एज वेल एज प्रिंटेड दोनों के ऑप्शंस मिल जाते हैं तो अभी डाउनलोड करिए ऐप फॉर्मरॉक्स एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एपल आईफोन ऐप ऑन एप स्टोर तो सामने समझा सॉलिबिलिटी के बारे में कि कैपेसिटी या फिर एबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की टू सॉलिबलाइज इन ए सुटेबल सॉलवेंट कि जिसकी क्वांटिटी उसके अंदर ज्यादा है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट और जिसकी क्वांटिटी कम है वो कहा जाता है सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट तो लेस अमाउंट है हमारा यहाँ पे सॉल्यूट की एंड हाई अमाउंट है सॉल्वेंट की तो प्रॉपर इक्विलिब्रियम होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में तो वो बनता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन एंड जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट की जो सॉल्ट की जिसकी क्वांटिटी लेस है और वाटर की जिसकी क्वांटिटी हाई है तो ये था सॉल्युबिलिटी तो ये ये भी हमने देखा कि एक सॉल्यूबिलिटी ऑफ शुगर की जो आगे जाके सिरप बनाती है सॉल्यूशन की जो होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है एंड उसके दो कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट की क्वांटिटी हाई एंड सॉल्यूट की लेस क्वांटिटी उसके बेसिस पर हमने तीन टाइप्स देखे मेन सॉल्यूशन के कि पहला तो अन सॉल्यूशन सेकंड सेचूरेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड सुपर सेचूरेटेड सॉल्यूशन के सबसे पहले अन मतलब कि सेचूरेशन पॉइंट था फाइव ग्राम तो उससे लेस वाले कंडीशन तो वो कही जाएगी अनसेचुरेटेड की एक ग्राम दो ग्राम थ्री फोर इवन फोर पॉइंट नाइन तक भी वो रहेगा अनसे जैसे ही पांच ग्राम होगा वो सैचुरेटेड में होता है एंड आगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई छ किया सात आठ ग्राम डिजोल किया तो अब ये जो मिल रहा है हमें सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन एंड यहाँ पे जो एक्सेसिव ऐड किया हमने थ्री ग्राम जितना वो बनते हैं क्रिस्टल तो ये हमने ऑलरेडी डिटेल में सीखा है आज के टॉपिक में है मेन सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन तो सबसे पहले एक, एक एक्सप्रेशन है वो है मोलारिटी कि जिसको सिंबल है कैपिटल एम की हम कई बार लिखते हैं कि पॉइंट फाइव मोलर सोल्यूशन जीरो पॉइंट थ्री मोलर ये मोलर क्या है तो जिसके अंदर क्या डिजोल्व किए जाते हैं मोल्स मोलारिटी इज इक्वल टू मोल प्लस मोल प्लस एरिटी तो मोलारिटी इस तरह से बनता है वर्ड तो यहां पे कंसीडर होते हैं मेनली मोल तो मोल भी किसके अंदर तो वॉल्यूम है आपके पास 1000 थाउजेंड तो मोल्स की जो कहते हैं ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन तो समझो कि मैं यहां पर लिखता हूं अच्छे से समझिए कि ये मेरा है सॉल्यूट और नीचे लिखता हूं मैं सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट है मोल के अंदर और सॉल्वेंट है मेरा एक हजार एम तो समझो कि मैं फाइव मोल जितना वो इसके अंदर डिजोल्व करता हूं तो वो कॉन्सेंट्रेशन क्या कही जाएगी फाइव मोल ये जो सिंबल है कि मैं यहां पे लिखूंगा फिर फाइव एम समझो कि सिर्फ दो मोल जितना डिजोल्व करता हो तो वो कॉन्सेंट्रेशन लिखी जाएगी टू मोल इस तरह से मोल्स ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे वन लीटर या फिर वन एम लेना है उससे कंप्लीटली रिवर्स कंडीशन मोला लिटी की स्मॉल एम लिखा जाता है तो यहाँ पे मोल तो है ही बट वॉल्यूम ग्राम में तो सॉल्यूट uh, जो है वो हम लेंगे मोल के अंदर बट जो सॉल्वेंट होगा इन ग्राम और वो भी 1000 ग्राम इज इक्वल टू तो 1 के 1 किलोग्राम में लेंगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन कही जाएगी मोला लिटी अब नॉर्मलिटी में क्या है कि जो एन लिखते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेते हैं उसमें हम ग्राम इक्वीवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन की यहां पर सॉल्यूशन वन लीटर है बट सॉल्यूट हम लेंगे इक्वल टू ग्राम इक्वीवेंट वेट तो उस वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन तैयार होती है वो कही जाती है नॉर्मालिटी उसके बाद है मोल फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं एक्स तो रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो समझो कि मोल फ्रैक्शन एक्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉलवेंट तो ये जो फॉर्मूला तैयार होगी वो होगी मोल फ्रैक्शन के लिए कि ऊपर सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सोलवेंट दोनों के मतलब की नीचे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते बिकॉज सॉल्यूट एंड सोलवेंट दोनों मिलाकर तो क्या बनाएंगे सॉल्यूशन तो ये चारों एक्सप्रेशन खास अच्छे से याद रखनी है मोला क्या है मोला रेटी नॉर्मालिटी एंड मोल फ्रैक्शन उसके बाद ये तीन और एक्सप्रेशन की जो है वेट बाय वेट कि ग्राम ऑफ सॉल्यूट कि समझो कि पांच ग्राम है और हंड्रेड ग्राम है आपका सॉल्यूशन तो वो कहा जाएगा फाइव परसेंट वेट बाय वेट अब समझे कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम है तो समझे कि सॉल्यूट हम फिक्स रखते कि फाइव ग्राम हंड्रेड एम के अंदर है तो वो कहा जाएगा फाइव परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम सॉरी यहां पे एम कर देना है सॉल्यूट भी एम में है तो ये कहा जाएगा फाइव परसेंट बाय वॉल्यूम और तीसरी कंडीशन कि जब सॉल्यूट जो है वो ग्राम के अंदर है मतलब कि वो हो गया वेट के अंदर और सॉल्वेंट जो है वो एम के अंदर तो वो है वॉल्यूम के अंदर तो समझो कि ये है पाँच ग्राम ये है हंड्रेड एम तो उस वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगी वो कहिए कि फाइव परसेंट वेट बाय वॉल्यूम तो ये एनोटेशन के, के साथ ये वाला स्क्रीन आप ले सकते हैं कि जो फाइनल है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो समझे कि फाइव परसेंट वी बाय वी है यहाँ पे फाइव परसेंट वॉइट बाय वी है या फिर यहाँ पे फाइव परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू तो तीनों में समझो कि एक बार आपका सॉल्यूट ग्राम में है एक बार एम में हो और तीसरी बार फिर से ग्राम में बट जब सामने जो सॉल्वेंट है उसकी भी क्वांटिटी अलग अलग होती है उस वक्त आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके एक्सप्रेशंस। सिंपली जब परसेंटेज हो तो आपका जो भी सॉल्वेंट है वो ऑलवेज हंड्रेड के ही कंपेयर में लेना है कि हंड्रेड एम ग्राम या फिर आपका सामने सॉल्यूट भी समझो कि एम में हो तो उस वक्त वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा दोनों ग्राम में है तो वेट बाय वेट होगा और एक ग्राम में और एक वॉल्यूम में तो वेट बाय वॉल्यूम अभी एक और है कि यूएस पे लिस्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स की द नंबर ऑफ एम एल ऑफ सॉल्वेंट इन वन ग्राम ऑफ सॉल्यूट विल डिजॉल्व द नंबर ऑफ एम एल ऑफ सॉल्वेंट इन विच वन ग्राम ऑफ सॉल्यूट विल डिजोल्व यहां पे हमने क्या किया है वन ग्राम सोल्यूट आपने फिक्स रखा है और सामने आप चेंज कर रहे हैं नंबर ऑफ एम एल ऑफ सॉल्वेंट तो उस वक्त देखिए आप कि समझो कि आपने वन ग्राम बोरिक एसिड लिया है और उसको एटीन एम एल वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं और वही आप फॉर एम एल के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उसके बाद जो आप प्रैक्टिकली कंसिडर करते कि किसके अंदर सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा है वो आप चेरोग चेक करोगे तो टर्म वेरी सॉल्युबल उसका मतलब क्या है कि लेस देन वन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर फॉर वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट कि जब वन पार्ट ही चाहिए आपको सॉल्वेंट का वन पार्ट सॉल्यूट का डिजोल्व करने के लिए तो उसका मतलब ये होगा कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो वेरी सोल्यूबल है कि समझो कि ये एक मॉलिक्यूल है सॉल्यूट का और सामने एक पार्ट है सॉल्वेंट का तो ये जो है वो बन जाता है इसको इनअपल्व करवाने के लिए कि एक ही सॉल्वेंट का पार्ट लेस देन वन पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट इज रिक्वायर फॉर वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट तो उसको हम कहेंगे वेरी सॉल्युबल की एक ही पार्ट होगा सॉल्यूट का तो भी लेस देन वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट सॉरी लेस देन वन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट आपको चाहिए टू वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट तो वो कॉन्सेंट्रेशन कही जाएगी वेरी सेल्वे बिकॉज कि आप एकदम कम अमाउंट के अंदर सॉल्वेंट ले रहे हैं फिर भी आपका जो सॉल्यूट है उसके अंदर डिजॉल्व हो रहा है अब देखो अब ऊपर से जैसे नीचे की ओर हम जाएंगे किसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो सॉल्वेंट की अब फ्रीली सॉलिबल मतलब कि अब हमें चाहिए एक से लेकर दस पार्ट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट के अब हमें कितने पार्ट चाहिए एक से दस पार्ट तो उस वक्त बनती है कॉन्सेंट्रेशन या फिर जो कंडीशन वो कही जाएगी फ्रीली सॉलिबल उससे नीचे जाते हैं द अब और ज्यादा सॉल्वेंट लग रहा है दस से लेकर तीस पार्ट लग रहे हैं सॉल्वेंट के डिजोल्व दैट सोल्यूट तो वो कहा जाएगा सोल्यूबल अब तीस से लेकर सौ पार्ट आपको यूज करने पड़ रहे हैं सॉल्वेंट के तो डिजोल्व ओनली वन पार्ट ऑफ सोल्यूट तो वो कहा जाएगा स्पेरिंगली सोल्यूबल अब और आप सोल्यूट इंक्रीज कर रहे हो एक हजार से लेकर वन थाउजेंड पार्ट तब कही जाएगी कंडीशन लाइटली सोल्यूबल और इंक्रीज़ होके 1000 से लेकर 10,000 पार्ट और अभी भी ये एक पार्ट प्रॉपर डिजोल्व नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि वेरी स्लाइटली सॉल्युबल और 10,000 पार्ट से भी ज़्यादा हम अब सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं फिर भी ये वन पार्ट अब डिजोल्व नहीं हो रहा है तो वो हम कह देंगे कि इट इज़ ए प्रैक्टिकली इन कि जितना भी हम ऐड कर रहे हैं कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ऊपर से लेकर नीचे की ओर जैसे जाते हैं वो हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं फिर भी आपका जो सॉल्यूट है कि जो आपने फिक्स करके रखा है कि सॉल्यूट इज फिक्स कि वन ग्राम और वन पार्ट और सामने आप सॉल्वेंट इंक्रीज करते जा रहे हैं फिर भी वो डिजोल्व नहीं होता तो वो कंडीशंस बनती है कि सबसे पहले तो सबसे ज्यादा सोलिबल वेरी सोलिबल फ्रीली फिर सॉलिबल फिर स्पेरिंगली सॉलिबल हुआ फिर स्लाइटली सोलिबल हुआ फिर वेरी स्लाइटली सोलिबल और फिर आखिर में प्रैक्टिकली वो इनसॉल्युबल बनता है तो ये है यूएसपी लिस्ट ऑफ द सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग ये जो टेबल है मोस्ट आई एम पी है वो आपको अच्छे से याद रखना है तो ये टेबल यही कहता है कि जैसे जैसे हम आ, मैं समझो कि नीचे से ऊपर जाता हूं तो क्या होगा कि सॉल्वेंट जो है वो डिक्रीज होता है बट जब समझो कि ऊपर से नीचे आ रहा हूं मैं तो वी आर इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज और हियर फिक्स वेट ऑफ सॉल्यूट कि हमने फिक्स करके रखा है वन ग्राम और वन पार्ट बट सामने एक ही पार्ट सॉल्यूट के डिजल करने के लिए एक ही पार्ट चाहिए सॉल्वेंट का तो वो हो गया वेरी सॉलिबल एक से दस पार्ट चाहिए तो फ्रीली सोल्यूबल फिर 10 से लेकर 30 पार्ट्स आपको चाहिए तो वो सॉल्यूबल अब नीचे जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ पार्ट्स इंक्रीज कर रहा हूँ सॉल्वेंट के और एक कंडीशन ऐसी आती है तो मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकली इनसॉलिबल तो ये था यू एस लिस्ट ऑफ़ द सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे पार्ट थ्री के अंदर जिसके अंदर सॉलिबिलिटी इंटरेक्शन सीखेंगे एंथलिक के बारे में सीखेंगे बी सी एस क्लासीफिकेशन देखेंगे एंड सॉलवेंट एंड सॉल्यूट की जो प्रॉपर इंटरक्शंस uh, होती है अलग अलग तरीके से इन सॉल्यूबिलिटी उसको हम डिटेल में सीखेंगे पार्ट थ्री के अंदर द टिल देन ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप ये वाला नंबर है नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स नाम और सिटी नेम लग के व्हाट्सएप करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड जरूर से यूज़ करिए फॉर्मर की एप की जो अवेलेबल है एप्पल स्टोर पे भी एज वेल एज एंड्रॉयड पे भी गेट द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गेट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन द एप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एपल आईफोन ऐप ऑन एप स्टोर सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट